अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर चुनावी साल में प्रदेश को सौगात मिलने वाली है। केन बेतवा लिंक को केंद्र की हरी झंडी दी गई है, जहां पर 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। एमपी के लिए ये केन बेतवा लिंक वरदान साबित हुई है, जहां 41 लाख आबादी को पेयजल मिलेगा, 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही 10 जिलों में 2,040 गाँव लाभान्वित भी होने वाले हैं। वहीं 2003 में सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर लगभग 47,000 हेक्टेयर हो गया है। तो सौगातों के लगातार झड़ी राज्य सरकार की ओर से लगाई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, चुनावी साल है और ऐसे में राज्य सरकार सौगात पर सौगात दी जा रही है। वहीं अब बात करी जाए तो केन बेतवा लिंक को केंद्र ने अब हरी झंडी दे दी है, जिससे कि जो मध्य प्रदेश के किसान है उनके लिए काफी अच्छी खबर मानी जा सकती है। देखिए, इस केन बेतवा लिंक परियोजना से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन से अधिक जिले भी प्रभावित होंगे और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। और केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को हरी झंडी दे दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के करीब 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। न सिर्फ ये मध्य प्रदेश बल्कि बुंदेलखंड का वो इलाका जहाँ सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त माना जाता है, और इस परियोजना के जरिए बुंदेलखंड को वरदान के तौर पर देखा जा रहा है कि इस योजना को लेकर किसानों को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा करीब 41 लाख से अधिक की आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। सरकार की ये काफी महत्वपूर्ण योजना है और जब इस परियोजना को लेकर दो राज्यों के बीच में सहमति बनी थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राज्य सरकारों को सिर्फ इस योजना को लेकर 10% राशि ही प्रतिशत के तौर पर देनी होगी, बाकी की 90% राशि खुद केंद्र सरकार बहन करेगा। और मध्य प्रदेश के 10 जिलों में करीब 2000 से अधिक गांव के लोगों को ये फायदा होगा। खास तौर पर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जब साल 2003 में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, तो आज बढ़ के 47 लाख हेक्टेयर हो गया है और सरकार की कोशिश है कि इसे 2025 तक करीब 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए जो भी अधिग्रहण और जो राज्य सरकारों की तरफ से क्लीन चिट मिलनी है, इसके लिए एक नोडल एजेंसी भी बनाई गई है। बिल्कुल, तो दो राज्यों के आपसी सहयोग और समन्वय की वजह से 41 लाख आबादी को पेयजल मिलने वाला और उसके साथ ही बिजली का उत्पादन और 2040 गांव लाभान्वित। फिलहाल के आप मास्क।